भारत माता की जय, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत की, भारत माता की, माँ भारती 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 की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी 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 जिंदाबाद। मैं अपनी जेएनके बैठक रेजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किशुआ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है और मेरे गांव से हमारे सरपंच साहब आए हैं, उनके साथ और ही बहुत ज़्यादा आए, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बैठने एथलेटिक जो है, मैं 26 बार जा चुका हूँ, ये मेरा 27वां टर्न है, इसमें 5 बार मेरे को कुछ नहीं है, मेरे मैक्सिमम गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो काम। ये कंपटीशन जो था ये कलकत्ता में मिदनापुर स्टेडियम के अंदर रखा गया था, जिसमें 3 जो कंट्रीज वो बाहर के थे, जिसमें था बांग्लादेश था, श्रीलंका था, भूटान भी था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन हमारे को प्रैक्टिस का समय भी जो था वो कम मिलता है। अभी एक वर्ल्ड मीट हो रही है, उसके लिए भी शेड्यूल निकाल देंगे, कि उसमें जो फील्ड इवेंट है उनका डिस्टेंस कितना है और जो रेसेस वाले हैं, जो फील्ड इवेंट और ट्रैक इवेंट वाले हैं, इनके लिए वो टाइमिंग दे देंगे। उस स्टैंडर्ड को जो क्वालिफाई करेगा वही जा सकता है। जाएंगे अब आप आगे भी कंपटीशन? जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए नहीं, अभी देखते हैं उनकी चिट्ठी कब मिलती है हमारे को, कब नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करूंगा मैं और मैं वहां पे जाऊंगा, और उम्मीद है कि वहां पे भी नंबर पाए जाएगा। तो मैं समझा कि साढ़े पास बड़ी फकर वाली गल, बहुत फकर वाली गल है और बड़ी खुशी वाली गल है कि साढ़े अखरोट का नाम रोशन किया, इन्हें कठुए का भी किया, डिस्ट्रिक्ट का किया, पूरी जेएनके का किया। तो मैं सारे बधाई देना, सारे एक आगा कि किसी भी बच्चे आगा तो तुम कुछ सीखो। बालीबाल के बड़े प्लेयर ने, बड़े अच्छे प्लेयर ने, इन्हें कई मुड़े कोचिंग दी है। तो मैं इो एक बार फिर आह्वान करगा सारे बच्चे नशा कुछ को दूर रहना और स्पोर्ट्स ही आगे आना। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे लिए भी गौरव और गर्व का विषय है कि हमारे तहसीलदार हैं, मैं एक चेयरमैन हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे माननीय प्रेजिडेंट साहब जो इनके साथ हैं मनोज सिंह ने, और जो विस्तारता के साथ सब कुछ बता दिया है। लेकिन मैं नौजवानों को एक मैसेज सभी को देना चाहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान मिलती है। ये उड़ान जो मिली है तहसीलदार साहब को, जो हमारे कुलवान सिंह मेरे छोटे भाई को, ये पूरे समस्त कठुआ रीवा के समस्त भारत के लिए, और ख़ास करके हमारे जो ट्राइबल फौजी जो सर्विस में आए और वो लोग जो अपने घर में रिलैक्स कर रहे हैं, ये कोई छोटा छोटा विचार नहीं। इस उम्र में 72 साल की 72 ईयर्स ऑफ एज, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। हम सभी करते हैं, ये हमारी भारत माँ का जो सिर ऊँचा करता है, हमारी भारत माँ गर्व से कह सकती है कि मेरे सपूत ऐसे हैं जो इस उम्र में भी मेरा मान और सम्मान बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। तो धन्य है जो भगवान सिंह, धन्य है इनके माता पिता, धन्य है इनका गाँव खरोट, जिनमें ऐसे सपूत का जन्म लिया जो आ रहा है सामने आप देख रहे हैं। मेडल धन करी है, स्वर्ण मेडल, गोल्ड मेडल। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी नौजवानों को
सजा तो नहीं करूंगा लेकिन एडवाइस जरूर करूंगा, नसीहत जरूर करूंगा। 84 साल की उम्र का होते हुए कि व्यक्ति कभी बुरा नहीं, मैं तो नहीं सकता कि मुझे देश के लिए अगर इस पत्र की मुझे इस सूचना मिले कि प्रेरणा देश के लिए लेनी है कि हमने अपनी माँ भारती के लिए क्या करना है। आज मेरे माँ का जो सिर है, मेरी माँ भारती का जो सिर है, गर्व और गौरव से ऊंचा है। और अगर माँ भारती का सिर ऊंचा है तो हमारा तो ऑटोमेटिक ही होगा। और आप भी प्रयास करें, कोशिश करें कि आप भी सभी अगर बलवान सिंह सरदार बलवान सिंह की तरह बनने की कोशिश करें। थैंक यू गौर सिंह। मैं एज ए टीम मैनेजर जे एंड के एथलेटिक एसोसिएशन का अपने स्टेट की तरफ से कोलकाता में वेस्ट बंगाल पे मिदनापुर स्टेडियम में हमारा जो 42nd एथलेटिक कंपटीशन मीट हेल्ड हुआ है 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, वो उसमें जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हमारे जहां से जे एंड के पुलवामा से एक पार्टिसिपेंट गए थे, पुंछ से 2 गए हुए थे और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो श्री भगवान सिंह जी हैं ये गए हुए हैं और मैं 5वां आदमी था जो है टीम मैनेजर किया। तो इसमें ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गर्व की बात है कि 4 में से 3 आदमी के गोल्ड मेडल, 3 को मेडल मिला है, जिसमें से हमारे जो बलवान सिंह जी हैं इनको 2 मेडल मिले, एक को इनको जेवलिन थ्रो में मिला और दूसरा शॉर्ट पुट में। ये 70+ के एज ग्रुप में जो इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। हमारे जो अभी आपने जहां देखे भी थे जो 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए जहां पे उतरे हैं, हमारे जो प्रेम प्रकाश जी थे लुथरा साहब, वो 80+ ग्रुप में उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट में 3rd पोजीशन हासिल की थी। और कुलगामा से हमारे मंजूर अहमद डार थे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ही सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या सकती है कि इन्होंने अपने गांव का ही नहीं, जिले का ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत का नाम अपने पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। वहां पे ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे नेशनल के पूरे स्टेट के ही नहीं बल्कि श्रीलंका के प्लेयरों ने भी पार्टिसिपेंट किया था और बांग्लादेश के जो प्लेयर आए हुए थे उनका भी पार्टिसिपेंट हुआ था। इंडियन आर्मी से रिटायर पर्सनल निकले थे, आज जो गोल्ड मेडल लिया है इस कठुए की धरती पर आए न, और इन्हें एक नाम रोशन किया है कठुए का, साढ़े मतलब खरोट पिंड का भी, कठुए का, कठुए डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत वर्ष का। और गोल्ड मेडल इस उम्र 72 साल की उम्र के बीच गोल्ड मेडल लेना, 72 साल की उम्र च लोग मंजे पर लेटे रहते थोड़ा ही नहीं है, लेकिन 72 साल की उम्र च गोल्ड मेडल लेना मेरे अज सोचने पर बहुत बड़ी गल है। पहले दिन इंडियन सेवा की आर्मी च गए और आर्मी च जिसे अस लोग जिसमें बोला ने इंदी सेवा जी है जिन्हें लोगों नौकरी की है उसकी वजह करने अस लोग जड़े हैं शहरों से फिरने टुरने तो इस वास्ते उसके बाद गोल्ड मेडल लेना बड़ी वही गल है। मैं इसे आखा दे डोगरी बोलना, मैं डोगरी बोलने घाटा लिखे तो मैं इस वास्ते डोगरी बोलने की कोशिश करा ना तार कि हिंदी च बोलने अभी मतलब आए इनका स्वागत करने ये साढ़े अपने कठुए डिस्ट्रिक्ट एक ग्रां खरोड तो निकले और उत्थे जाइए मतलब कहना गोल्ड मेडल लेना कलकत्ते जाइए उस कंपीटीशन च नेशनल लेवल का कंपीटीशन कोई छोटा मोटा नहीं है।